और उत्तर प्रदेश आपस में बटा नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ तो परिवारवाद है कि अब की बार फिर से राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए, किसी और को मौका नहीं है, वो अपने में कुंठित हो चुके हैं। हम लोग सब मिल कर के आप देखिएगा कि राहुल जी ने जो सपने पाले हैं वो सपने निश्चित रूप से चकनाचूर होने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चाहा तो निश्चय ही यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। जनेऊ ये क्या पहनेंगे, कहाँ से पंडित हैं जो जनेऊ पहने? जनेऊ का भी अपमान है गुजरात में, जनेऊ जानते हो कौन पहनता है? अमेठी भी नहीं बचा पाए, और गुजरात भी नहीं बचा पाए। हम लोग गुजरात में भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यूपी के निकाय चुनावों की कामयाबी को गुजरात में भुनाने के लिए बीजेपी का प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो चुका है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करा चुकी भारतीय जनता पार्टी अब नतीजों का फायदा गुजरात विधानसभा में भी उठाना चाहती है। पार्टी के सभी नए चुने गए मेयर्स शपथ लेने से पहले ही गुजरात चुनाव के प्रचार में उतर गए हैं। बीजेपी के सभी 14 मेयर्स ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीत कर आए नए मेयरों को फिलहाल अपने शहरों की नहीं गुजरात की चुनौती उठानी है। शायद पहली बार ऐसा होगा कि मेयर का चुनाव जीते लोगों को दूसरे राज्य में प्रचार के लिए भेजा गया है। यही वजह है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद सभी मेयर गुजरात के लिए रवाना हो गए। गुजरात और उत्तर प्रदेश आपस में बटा नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और गुजरात से लगातार उत्तर प्रदेश प्रेरणा ले रहा है। इस नाते गुजरात में पुनः जो देश का शीर्षस्थ राज्य है वो अगुवाई करता रहे, ये अपील हम गुजरात वासियों से करें। राहुल गांधी उनको उनका अमेठी भी लोकसभा में वोटों की लीड बहुत सीमित कर दिया, पता नहीं वो भी किस रास्ते से जीते। आज अमेठी पूरी तरह तिरस्कृत कर चुका है। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस का हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। यहाँ तो परिवारवाद है कि अब की बार फिर से राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए, किसी और को मौका नहीं है, वो अपने में कुंठित हो चुके हैं। कांग्रेस इलाहाबाद शहर में अब कोई जनाधार बचा नहीं, एक विधायक थे वो भी खत्म हो चुके और अब कोई नहीं बचा। तो ऐसी सरकार जो कह रही हो कि कांग्रेस कांग्रेस बची है, तो कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं। हम तो रामनगरी से आते हैं और माननीय उच्च न्यायालय निर्णय दे चुका है कि वहाँ पर भगवान रामलला विराजमान थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और भी प्रयास अन्य लोग भी कर रहे हैं। प्रभु की इच्छा होगी तो अगली दिवाली भव्य होगी। मैं राम की नगरी से हैं, कृष्ण की नगरी से हैं, और मैं राम नामी दुपट्टा पहने हूँ और मेरा नाम ही राम तीर्थ है। हम लोग सब मिल कर के आप देखिएगा कि राहुल जी ने जो सपने पाले हैं वो सपने निश्चित रूप से चकनाचूर होने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गुजरात आए थे, इसलिए हम भी उत्तर प्रदेश से और भगवान श्री कृष्ण की नगरी से यहाँ गुजरात में आए, और भगवान श्री कृष्ण ने चाहा तो निश्चय ही यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी। जनेऊ ये क्या पहनेंगे, कहाँ से पंडित हैं जो जनेऊ पहने? जनेऊ का भी अपमान है गुजरात में, जनेऊ जानते हो कौन पहनता है? उनको ज्ञान है इसका कि जनेऊ ही दिखाएंगे। जनेऊ के बारे में अगर उनसे उनकी परिभाषा जनेऊ के बारे में पूछी जाए तो इनका पूरा खानदान नहीं बता पाएगा। एक बार इंदिरा गांधी गई थी वहाँ मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में इंदिरा गांधी गई थी। एक बुढ़िया अम्मा हमारा आईन बताइन कहीं बिट्टी बिटिया हम इंदिरा गांधी से मिले गई, सीधे सीधे कहीं कहीं बिटिया तू नेहरू की बिटिया हो के हिंदू हो के, और तुह के कोनो हिंदू ने मिले जो मियाँ शादी कर लू, और लागिन रोवे लागिन रोवे वो मर गई, फिर उहर ना गई जौनपुर तरफ। यूपी से हम आए इसीलिए हैं, यूपी की ये जो जीत है वो इसको बरकरार रखे। राहुल गांधी अपना अमेठी भी नहीं बचा पाए, हाँ बिल्कुल नहीं बचा पाए, और गुजरात भी नहीं बचा पाए, हम लोग गुजरात में भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी सफलता मिली है उत्तर प्रदेश में, इसी जीत को हम यहाँ पर एक उद्देश्य बनाकर गुजरात के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार है, वो काम कर चुके हैं, तो उनका ही गढ़ है, तो यहाँ पर तो 100% सफलता मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है।
बहरहाल यूपी के इन स्थानीय नेताओं को गुजरात के चुनावी प्रचार में उतारने की रणनीति बताती है कि बीजेपी गुजरात की जंग जीतने के लिए कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये नव निर्वाचित मेयर अपने जिलों को जीतने के बाद बीजेपी के लिए गुजरात जीत पाएंगे। गुजरात में पहले चरण के मतदान में अब एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सियासी घमासान और तेज हो गया है। वोटरों को लुभाने के लिए पार्टियां तरह तरह के तरीके अपना रही हैं। विकास को छोड़कर हर मुद्दे पर बहस हो रही है, लेकिन इन 22 सालों में गुजरात में विकास कहां तक पहुंचा, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने। रिपोर्ट देखिए। गुजरात में विकास पर चर्चा हो रही है। अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़े शहरों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर संतरामपुर विधानसभा के बचकरिया गांव पहुंची। लूनावाड़ा वो जगह है जहाँ पर आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए जी न्यूज की टीम आज आदिवासियों के बीच जाएगी और उनसे गुजरात चुनाव के बारे में बातचीत करेगी। लूनावाला इलाके के बचकरिया उत्तर में सिर्फ आदिवासी लोग ही रहते हैं। यहाँ लोगों के घर भी काफी दूर दूर बने हुए हैं और इन घरों को जोड़ती है ये सड़क। ऐसी सड़क शायद आपको बिहार, यूपी जैसे ग्रामीण इलाकों में देखने को न मिले, लेकिन ये गुजरात है और गुजरात का वो इलाका है जहां आदिवासी और गरीब लोग रहते हैं। यहां इलाके के आखिरी घर तक पक्की सड़क पहुंचाई गई है। हर घर तक रोशनी पहुंचाने के लिए पूरे इलाके में इन खंभों के जरिए बिजली दी जाती है। जहां बड़े बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली पहुंचना मुश्किल है, वहीं गुजरात के जंगलों में आदिवासी इलाकों में भी 24 घंटे बिजली आती है। गुजरात का ये जो आदिवासी इलाका है राजस्थान के बॉर्डर से सटा हुआ है, लूनावाड़ा में बचकरिया उत्तर। यहाँ की सड़क अगर हम आपको दिखाना चाहें, हालांकि जो लिंक रोड होता है मेन सड़क से, उसमें यहाँ पे समस्या है, यहाँ पे मैं बताया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप मेन सड़क देखेंगे जो कि गाँव के नजदीक है, जो घरों को जोड़ता है, वो सड़क यहाँ पर हमें ठीक दिखाई दे रही है और एक तरह से आप कह सकते हैं गाँव तक पक्की सड़क पहुंची हुई है। इधर बिजली कितने कलाक आती है? बिजली 24 घंटे। नरेंद्र मोदी को जानते हैं आप? नरेंद्र मोदी जानते हैं। कैसे हैं वो? अच्छे। गुजरात के लिए क्या किया उन्होंने? बहुत सारे करे हमने। लाइट मिल रही है। कितने घंटे, कितने कलाक? आ तो चौबीस चौबीस चाले लाइट इतने गोड़ो 24।